मैं खुद डीयू से पढ़ी हूँ और अब डीयू के कॉलेज में पढ़ाती हूँ, और इस कैंपस में मैंने एक लंबा अरसा गुजारा है, एक स्टूडेंट के तौर पर भी और एक टीचर के तौर पर भी। और जो वक्त में बदलाव आया है वो काफ़ी तरह से हम लोग देख सकते हैं। चीज़ें कमोबेश वही हैं, सड़कें वही हैं, इमारतें वही हैं, लेकिन माहौल में एक बदलाव हम देखते हैं। आज कॉलेजेस के बाहर जिस तरह से गाड़ियों की भीड़ हमें दिखाई देती है, वो भीड़ हम लोग जिस समय स्टूडेंट्स थे तब नहीं होती थी। हम लोग बसेस में ही सफ़र करते थे और उतना पैसा हम लोगों के पास नहीं होता था। मुझे अभी भी याद है कि किरोड़ीमल कॉलेज और हिंदू कॉलेज के बीच में एक चाय वाला बैठा करता था, और वहाँ से हम चार दोस्त पैसे मिलाकर दो ब्रेड पकौड़े ख़रीदते थे और जिसको बांट बांट कर हम लोग खाया करते थे। तो लेकिन उसमें भी एक अपना मज़ा था, और पैदल खूब घूमते थे, पूरा कैंपस नापते थे। डी स्कूल की कैंटीन जो बहुत अच्छी और बहुत सस्ती मानी जाती थी, उसमें हम लोग खूब जाया करते थे। और सबसे बड़ी बात कि हम घंटों बैठकर तमाम मसलों पर बातचीत करते थे, बहस करते थे, बिल्कुल झगड़े जैसी स्थिति भी हो जाती थी, लेकिन फिर यह है कि वो बहस ख़त्म होने के बाद फिर उसी तरह के ठहाके होते थे। अब जो मैं चीज़ मिस करती हूँ वो यही है कि मैं ग्रुप्स देखती हूँ अब भी स्टूडेंट्स के बने हुए, बैठे हुए गप करते हैं, लेकिन उस तरह की बहसें जो दुनिया के मसले हैं या हमारे अपने देश के राजनीतिक मसले हैं या तमाम सामाजिक मसले हैं, उन पर उस तरह की बहसबाजियां अब नहीं होती जो पहले हम लोगों के समय में हुआ करती थी।